रणवीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दातोवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक के शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर विभाग ने महात्मा गांधी की झांकी प्रदर्शित की जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है। झांकी में गांधी की हिमाचल प्रदेश की यात्रा को दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 से 80 वर्ष के बीच के बुजुर्गों को 50% पैकेज आधार पर देवभूमि दर्शन यात्रा की योजना शुरू की है, जबकि 80 साल से अधिक वरिष्ठ हिमाचली नागरिकों का 4 रातें और 5 दिन की यात्रा, खाना पीना और रहने का सारा खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। यात्रा में प्रदेश के प्रसिद्ध देव स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। यात्रा की सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दी गई है। इसी तरह विभाग ने आज पुरानी राहों से 1147 स्थल व महान हस्तियों का जिनका इतिहास रहा है उन्हें चिन्हित कर लिया है और उससे संबंधित सारी जानकारी एकत्रित करके लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। QR कोड के माध्यम से पर्यटकों को उस स्थान की सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि दर्शन योजना ये कदाचित ऐसी योजना है जो पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से और 80 वर्ष के बीच के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रखा गया है। उसमें हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो होटल्स हैं वहाँ हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी वो सर्किट यात्रा का सर्किट बनाया गया है वहाँ वह उन देव स्थलों का दर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की बसों में वो यात्रा करेंगे और उन्हीं के होटलों में वो ठहरेंगे। उनके खाने पीने की ठहरने की समुचित व्यवस्था उसमें की गई है। जो 70 वर्ष से 80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 50% का पैकेज में छूट प्रदान की गई है और जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें यह सुविधा कम्प्लीटली निःशुल्क है। अर्थात जो पैकेज है जिसमें ठहरना पीना खाना पीना और यातायात सम्मिलित है वो कम्प्लीटली फ्री है। राजधानी शिमला से 16 फरवरी को ये जो होटल होलीडे होम से यहाँ से इसका शुभारंभ किया जाएगा और इसी प्रकार इसकी जो पैकेजेस बनाए गए हैं उसकी डेट्स डिफरेंट हैं। सभी जिला मुख्यालयों से वो इनकी बस टूरिज्म की बसें चलेंगी और जो पैकेज जो सर्किट बनाया है जो मंदिरों का देवस्थलों का वहाँ पे वो हमारी बसें जाएंगी और वहाँ होटलों में ठहरेंगी और वहाँ सभी देवस्थलों के दर्शन करेंगी। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।